ओम शांति। आज बाबा के 18 मार्च के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, विचार सागर मंथन कर एक ऐसी टॉपिक निकालो जो सब जगह एक ही टॉपिक पर भाषण चले, यही है तुम्हारी यूनिटी। प्रश्न है, कौन सी मेहनत करते करते तुम बच्चे पास विद ऑनर हो सकते हो? उत्तर है, कर्म बंधन से अतीत बनो। जब किसी से बात करते हो तो आत्मा भाई समझ भाई को देखो, बाप से सुनते हो तो भी बाप को भ्रकुटी में देखो, भाई भाई की दृष्टि से वह स्नेह और संबंध पक्का हो जाएगा। यही मेहनत का काम है, इससे ही पास विद ऑनर बनेंगे। ऊंच पद पाने वाले बच्चे ये पुरुषार्थ अवश्य करेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, ये है मृत्यु लोक, उसकी भेंट में अमर लोक भी है। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, शंकर ने पार्वती को अमर कथा सुनाई। अब अमर लोक में तो तुम जाते हो, शंकर तो कथा सुनाते नहीं। कथा सुनाने वाला ज्ञान सागर एक ही बाप है, शंकर कोई ज्ञान सागर नहीं जो कथा सुनाएंगे। ऐसी ऐसी बातों पर तुम बच्चों को समझाना है। काल पर जीत कैसे पाई जाती है, ये जो नॉलेज है वह अमर बनाती है। इससे आयु बड़ी होती है, वहां काल होता नहीं। यहाँ तुम पांच विकारों अथवा रावण पर जीत पाने से राम राज्य अथवा अमर लोक के मालिक बनते हो। मृत्यु लोक में है रावण राज्य, अमर लोक में है राम राज्य। देवताओं को कभी काल नहीं खाता, वहां काल की जमघट होते नहीं। तो ये टॉपिक भी बहुत अच्छी है, मनुष्य काल पर विजय कैसे पा सकते हैं, ये सारी ज्ञान की बातें हैं। भारत अमर लोक था, कितनी बड़ी आयु थी, सर्प का मिसाल भी सतयुग के लिए है। एक खाल छोड़ दूसरी लेते हैं, इसको कहा जाता है बेहद का वैराग्य। जानते हैं सारी दुनिया का विनाश होने वाला है, ये पुराना शरीर भी छोड़ना है, ये 84 जन्मों की पुरानी खाल है। अमर लोक में ऐसे नहीं होता, वहां फिर समझते हैं अब शरीर बड़ा जड़जड़ी भूत हो गया है, इसे छोड़ नया शरीर लेंगे। फिर साक्षात्कार भी होता है, समझ को ही साक्षात्कार कहा जाता है। हमारी अब नई खाल तैयार हुई है, पुरानी को अब छोड़ना है। वहां भी ऐसे ही होता है, उनको कहा ही जाता है अमर लोक, जहां काल आता नहीं, आपे ही समय पर शरीर छोड़ देते हैं। कछुए का मिसाल भी यहाँ का है, काम करके फिर अंतर्मुखी हो जाता है। इस समय के मिसाल फिर भक्ति मार्ग में कॉपी करते हैं, परंतु सिर्फ कहने मात्र, समझते कुछ भी नहीं। अभी तुम तो समझते हो, राखी उत्सव, दशहरा, दीपमाला, होली आदि सब इस समय के हैं। जो भक्ति मार्ग में चले हैं तो ये बातें सतयुग में होती नहीं। ये ऐसी ऐसी टॉपिक लिखो, मनुष्य काल पर जीत कैसे पहन सकते हैं, मृत्यु लोक से अमर लोक में कैसे जा सकते हैं। ऐसी बातों पर समझाने के लिए पहले लिखना पड़ता है, जैसे नाटक की स्टोरी लिखते हैं, आज फलाना नाटक है। तुम्हारी भी पॉइंट्स की लिस्ट हो, आज इस टॉपिक पर समझाया जाएगा, रावण राज्य से दैवी राज्य में कैसे जा सकते हैं। समझानी तो पल एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न टॉपिक सुनने से खुशी होगी कि बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे मिलता है। जैसे सन्यासियों का अखबार में पढ़ता है, आज 125वां यज्ञ रचा है, उसमें ये सुनाएंगे। यहाँ तो बाप कहते हैं, मैं एक ही बार यज्ञ रचता हूँ जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह तो बहुत यज्ञ रचते हैं, जुलूस आदि करते हैं,
यहाँ तो तुम जानते हो ये रुद्र शिव बाबा का एक ही यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है, नई दुनिया की स्थापना हो जाती है और तुम जाकर देवता बन जाते हो। ये भी बाप तुमको समझाते हैं, रचयिता बाप ही आकर अपना और रचना के आदि मध्य अंत का सारा नॉलेज देते हैं और राजयोग भी सिखाते हैं। सतयुग में है ही पवित्र देवताएं, वे राजाई भी करते हैं। उसको कहा जाता है आदि सनातन देवी देवता धर्म। ये भी टॉपिक रख सकते हो कि आदि सनातन सतयुगी देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे हो रही है, विश्व में शांति कैसे स्थापन होती है, आकर समझो। परमपिता परमात्मा के सिवाय विश्व में शांति स्थापन करने की राय और कोई दे नहीं सकते, राय देने वाले को भी प्राइस मिलती है। विश्व में शांति स्थापन करने की प्राइस कैसे और कौन देते हैं, ये भी टॉपिक है। ऐसे विचार सागर मंथन कर टॉपिक निकालनी चाहिए, ऐसा प्रबंध हो जो सब जगह एक ही टॉपिक हो, सबका कनेक्शन रहेगा। ऐसी लिस्ट बनाकर पहले इशारा दे देना चाहिए, फिर समाचार दिल्ली में आना चाहिए, सबको मालूम पड़ जाए कि सब जगह ऐसा भाषण चला। इसको कहा जाता है यूनिटी, सारी दुनिया से डिसयूनिटी। राम राज्य का गायन है, शेर गऊ इकट्ठा जल पीते हैं, त्रेता में ऐसा गायन है तो सतयुग में क्या नहीं होगा। बाकी शास्त्रों में तो अनेक कथाएं लिख दी हैं, तुम तो बाप से एक ही कथा सुनते हो। दुनिया में ढेर कथाएं बनाते रहते हैं, द्वापर से लेकर कलयुग तक जो भी शास्त्र आदि चलते हैं वहां तो वे होते नहीं, भक्ति मार्ग की सब बातें पूरी हो जाती हैं। यहाँ तुम जो कुछ भी देखते हो वह सब है ईविल, उनको देखते हुए न देखो, सुनते हुए न सुनो। अब जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखो। हम संगम युगी ब्राह्मण कितने ऊंच हैं, देवताओं से भी ऊंच हैं। इस समय हम ईश्वरी औलाद हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते रहते हैं। इतनी सहज बात भी किसकी बुद्धि में नहीं आती है, हम ईश्वरीय संतान हैं तो जरूर स्वर्ग के मालिक होने चाहिए, क्योंकि वे बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। करोड़ों वर्ष कह देने कारण कोई बात याद नहीं रहती है, बाप आकर याद दिलाते हैं। ये तो 5000 वर्ष की बात है, तुम देवी देवता थे, अब फिर तुमको वही बनाते हैं। सन्मुख सुनने से कितनी खुशी और रिफ्रेशमेंट आ जाती है। बच्चे जो सयाने हैं, समझू हैं, उनकी बुद्धि में आता है हमको बाप से वर्षा तो जरूर लेना है। बाप नई दुनिया रचते हैं तो जरूर हम भी नई दुनिया में होने चाहिए। एक बाप के तो सब बच्चे हैं, सबका धर्म, सबके रहने का स्थान, आना जाना सब भिन्न भिन्न प्रकार का है। कैसे जाकर मूल वतन में निवास करते हैं ये भी बुद्धि में है। मूल वतन में सिजरा है, सूक्ष्म वतन में सिजरा नहीं दिखा सकते। वहां जो कुछ दिखाते हैं वह सब है साक्षात्कार की बातें, ये सब ड्रामा में नोंद है। फिर सूक्ष्म वतन में भी जाते हैं, वहां मूवी चलती है, बीच में मूवी का भी ड्रामा बनाया था, फिर टॉकी बना है, साइलेंस का तो ड्रामा बन ना सके। बच्चे जानते हैं हम साइलेंस में कैसे रहते हैं, जैसे वहां आत्माओं का सिजरा है वैसे यहाँ मनुष्यों का है। तो ऐसी ऐसी बातें बुद्धि में रख तुम भाषण कर सकते हो। फिर भी पढ़ाई में टाइम लगता है, करके यह भी समझ जाए, परंतु याद की यात्रा कहाँ, जिससे धारणा और खुशी हो। अभी तुम यथार्थ रीति योग सीख रहे हो, बच्चों को समझाया है सबको भाई भाई देखो। आत्मा का तख्त तो यह है,
इसीलिए भागीरथ बाबा का सिंहासन भी मशहूर है। जब किसी को समझाते हो तो भी ऐसे समझो हम भाइयों को समझाते हैं। यही दृष्टि रहे, इसमें ही भारी मेहनत है। मेहनत से ही ऊंच पद मिलता है। बाप भी ऐसे देखेंगे, बाप की नजर भी भ्रुकुटी के बीच में जाएगी। आत्मा तो छोटी बिंदी है, सुनती भी वही है। तुम बाप को भी भ्रुकुटी के बीच में देखेंगे, बाबा भी यहाँ है, तो भाई यानी ब्रह्मा की आत्मा भी यहाँ है। ऐसे बुद्धि में रहने से तुम भी जैसे ज्ञान सागर के बच्चे ज्ञान सागर बन जाते हो। तुम्हारे लिए तो बहुत सहज है, गृहस्थ व्यवहार में रहने वालों के लिए ये अवस्था जरा मुश्किल है। सुनकर घर चले जाते हैं, वहां का वातावरण ही और है, यहाँ सहज है। बाबा युक्ति बहुत सहज बताते हैं। अपने को आत्मा समझो, बाप को याद करो, ये भी भाई है। इस दृष्टि से कर्म बंधन से अतीत हो जाएंगे, शरीर भी भूल जाता है, सिर्फ बाप ही याद रहता है। इसमें मेहनत करते रहेंगे तब पास विद ऑनर होंगे। ऐसी अवस्था में बिरला ही कोई रहता है, विश्व का मालिक भी वही बनते हैं। आठ रत्नों की माला है ना, तू पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद पाने वाले कैसे भी करके पुरुषार्थ जरूर करते होंगे। इसमें दूसरी कुछ भी बातें निकलती नहीं है। भाई भाई की दृष्टि स्नेह और संबंध हो जाता है, दृष्टि वह जम जाती है। इसीलिए बाप कहते हैं, तुमको बहुत गुह्य गुह्य बातें सुनाता हूँ, इसमें अभ्यास करना मेहनत का काम है। यहाँ भी बैठे हो तो अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सुनती है। सुनने वाली आत्मा को तुम देखते हो। मनुष्य तो कह देते आत्मा निर्लेप है, बाकी क्या शरीर सुनता है? ये तो रॉन्ग है। बाप तुमको गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। मेहनत तो बच्चों को करनी है, जो कल्प पहले बने थे वह मेहनत जरूर करेंगे, अपना अनुभव भी सुनाएंगे। ऐसे हम सुनता सुनाता हूँ, आदत टेव पड़ गई है। आत्मा को ही सुनाते हैं मन मनाभव, फिर वे उनको कहते हैं मन मनाभव। अर्थात बाप को याद करो, ये गुप्त मेहनत है। जैसे पढ़ाई भी एकांत में झाड़ के नीचे जाकर पढ़ते हैं, वह है स्थूल बात, ये तो प्रैक्टिस करने की बात है। दिन प्रतिदिन तुम्हारी ये प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। तुम नई नई बातें सुनते हो ना, जो तुम अभी सुनते हो वह फिर नए नए आकर सुनेंगे। कोई कहते हैं हम देरी से आए हैं, अरे तुम तो और ही फर्स्ट क्लास गुह्य गुह्य बातें सुनते हो, जो पुरुषार्थ करने से ही ऊंच पद मिलता है, और ही अच्छा। माया तो पिछाड़ी तक छोड़ती नहीं है, माया की लड़ाई चलती रहेगी। जब तक तुम जीत पहनो, फिर अनायास ही तुम चले जाएंगे। जो जितना याद करेंगे समझेंगे, हम जाते हैं बाप के पास, शरीर छोड़ देते हैं। बाबा ने देखा है ऐसे ब्रह्म में लीन होने का लक्ष्य रखने वाले जब शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है, बाकी मोक्ष को कोई पाता नहीं है, न वापिस ही जाते हैं। नाटक में तो सब एक्टर्स चाहिए ना, अंत में सब आ जाते हैं। जब एक भी नहीं रहेगा तब वापिस जाएंगे, जो भी मनुष्य मात्र हैं सब चले जाएंगे, बाकी थोड़े बचेंगे। वह कहेंगे सबको सी ऑफ किया। इस समय सतयुग की स्थापना हो रही है, कितने करोड़ों मनुष्य हैं, सबको हम सी ऑफ कर फिर अपनी राजधानी में चले जाएंगे। वो लोग तो करके 40-50 को सी ऑफ करते होंगे, तुम कितनों को सी ऑफ करते हो? सभी आत्माएं मच्छरों सदृश चली जाएंगी शांति धाम। तुम आए हो साथ ले जाने और सबको भेजने के लिए,
तुम्हारी बातें वंडरफुल है। इतने करोड़ों मनुष्य जाएंगे, उनको सी ऑफ करेंगे, सब मूल वतन में चले जाएंगे। ये भी तुम्हारी बुद्धि ही काम करती है। धीरे धीरे सिजरा बड़ा हो जाएगा, फिर रुंडमाला रुद्रमाला बन जाएगी। ये बात तुम्हारी बुद्धि में है कि रुद्रमाला रुंडमाला कैसे बनती है। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि है वही इस बात को समझ सकते हैं। अनेक प्रकार से बाप समझाते रहते हैं याद करने के लिए। हम रुद्रमाला में जाकर रुंडमाला में आएंगे, फिर नंबर वार आते रहेंगे। कितनी बड़ी रुद्रमाला बनती है, इस ज्ञान को कोई भी नहीं जानते हैं। शुरू से लेकर इस ज्ञान को कोई जानते नहीं, तुम संगम युगी ब्राह्मण ही जानते हो। इस संगम युग को याद करो तो सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाएगी। तुम हो लाइट हाउस, सबको ठिकाने पर लगाने वाले। तुम कैसे अच्छे लाइट हाउस बनते हो, ऐसी कोई बात नहीं जो तुमसे लागू न होती हो। तुम सर्जन भी हो, सराफ भी हो, धोबी भी हो, सभी खूबियां यानी विशेषताएं तुम्हारे में आ जाती हैं। महिमा तुम्हारी भी हो जाती है, परंतु नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार। जैसे जैसे कर्तव्य करते हो ऐसा ऐसा गायन होता है। बाप तो डायरेक्शन देते हैं, उस पर विचार करना सेमिनार करना तुम बच्चों का काम है। बाबा कोई मना नहीं करते हैं। अच्छा, बहुत सुनाने से क्या फायदा, बाप कहते हैं मन मना भव। बाबा तुम्हें कितना तरावटी माल खिलाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा नशा रहे कि हम संगम युगी ब्राह्मण देवताओं से भी ऊंच है, क्योंकि अभी हम ईश्वरीय औलाद है, हम मास्टर ज्ञान सागर है। सभी खूबियां इस समय हमारे में भर रही हैं। जो बाप समझाते हैं वही बुद्धि में रखना है, बाकी कुछ भी सुनते हुए न सुनो, देखते हुए न देखो। Hear no evil, see no evil। वरदान है ईश्वरीय सेवा द्वारा वैरायटी मेवा प्राप्त करने वाली अधिकारी आत्मा भव। कहा जाता है करो सेवा तो मिले मेवा। ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। जो यह सेवा करते हैं उन्हें अतीन्द्रिय सुख का, शक्तियों का, खुशी का वैरायटी मेवा मिलता है। आप ब्राह्मण ही इसके अधिकारी हो, क्योंकि आपका काम ही है ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और पढ़ाना, जिससे ईश्वर के बन जाएं। तो ऐसी ईश्वरीय सेवा करने से ईश्वरीय फल के अधिकारी बन गए। इसी नशे में रहो। स्लोगन है बाप के साथ रहकर कर्म करो तो डबल लाइट रहेंगे। अच्छा, आज का अव्यक्त इशारा है बेगमपुर का बादशाह अर्थात सर्व खुशियों के खजाने का मालिक। खुशियों का खजाना ब्राह्मणों का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार के कारण ही आज श्रेष्ठ आत्माओं के नाम और रूप का सत्कार होता रहता है। ऐसे बेगमपुर के बादशाह जिन्हों का नाम लेने से ही अनेक आत्माओं के अल्पकाल के लिए दुख दूर हो जाते हैं, जिनके चित्रों को देखते चरित्रों का गायन करते हैं और दुखी आत्मा खुशी का अनुभव करने लगती है। ऐसे चैतन्य आप स्वयं बेगमपुर के बादशाह हो। अच्छा, ओम शांति।